स्थानांतरित नवीन थाना प्रभारी विजय चेलक ने थाना बालको पहुंच किया पदभार ग्रहण। नवीन थाना प्रभारी विजय चेलक ने प्रदेश जिले से मिले विभागीय दायित्वों अपराधों को रोक अपराध कम करने की दिशा में कार्य करना प्रथम प्राथमिकता बताया। साथ ही साइबर अपराध महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराधों में पारित कार्रवाई करते हुए आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना लोगों के मन में पुलिस के प्रति आत्मिक भाव जागृत करना बताया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 36 हिंदुस्तान। अभी अब लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक सामुदायिक पुलिसिंग का चल रहा है, खाकी के रंग जनता के संग चल रहा है, तो लोगों के बीच में जाकर भी क्राइम कंट्रोल के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि नशा और अन्य जो फ्रॉड की जो शिकायतें होती है उसके संबंध में रोक रहे हैं, यातायात के संबंध में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि लोग उस अवेयरनेस में आए और हेलमेट यातायात जो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं उस इलाकों को चिन्हांकित करके वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त सुरक्षा या वहाँ पर स्टिकर लगा के लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है कि यहाँ पर दुर्घटनाजनक क्षेत्र है, तो जिससे लोग उसको देख के बचने का पढ़ने के बाद उसके प्रयास करें, इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर अपराधों को रोकने, कानूनी जागरूकताओं को प्रसारित करने, कौन से नए मानदंड तय किए जाएंगे जिसके आधार पर लोगों के मन में कानूनों के प्रति भय उत्पन्न हो? लोगों के बीच में अभी जाकर लोगों को साइबर क्राइम के संबंध में हो रहे बहुत सारे कि अब नए नए साइबर में परिवर्तन होते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं।